हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन सेज दैट ए क्यूबॉइड हैविंग ए सरफेस एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ साइड्स एक्स यूनिट, वाई यूनिट एंड जेड यूनिट्स एज ए बी एंड सी हैज द वॉल्यूम। वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ। इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एंड इस केस के लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग लेंथ यहाँ पर है एक्स यूनिट, विड्थ यहाँ पर है वाई यूनिट एंड हाइट यहाँ पर है जेड यूनिट। एंड इस केस के लिए बोला गया है ए बी एंड सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्फेस एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस। सो लेट सपोज अगर दी ए है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, सो दिस विल बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। अगर यदि बी है यहाँ पे विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सो दिस इज वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। एंड अगर यदि सी है हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, सो दिस इज जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब इस केस में हमारे को बताना है रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एज वी हैव डिस्कस्ड ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सो दिस इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। सो फॉर दिस केस अगर हम फाइंड आउट करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड एक्स विच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड होल स्क्वायर। एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड ये होता है वॉल्यूम दैट इज वी स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी। सो फॉर दिस केस यहाँ पे हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस इनके बीच में रिलेशन बता रहा था। सो फॉर दिस केस बी इज करेक्ट ऑप्शन दैट सेज अंडर रूट एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।